नमस्कार साथियों, जालौन लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में 5G टेस्टिंग से संबंधित कुछ भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं, जिसके संबंध में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को एक अधिसूचना जारी करनी पड़ी है, जिसका मुख्य विषय है कि प्रदेश में 5G के ट्रायल को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों के संबंध में। इसमें लिखा गया है कि कृपया प्राप्त सूचना के अनुसार सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि कुछ दिनों में सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और फ़ोन के माध्यम से एक अफवाह फैलाई जा रही है कि प्रदेश के कई हिस्सों में 5G के ट्रायल से एक रेडिएशन फैल रहा है, जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है। कुछ पोस्ट में इटली में कोविड से मरे हुए व्यक्तियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात रेडिएशन मृत्यु होने की बात फैलाई जा रही है। इसमें साथ ही यह भी कहा गया है कि बनारस के युवक की बिहार से किसी व्यक्ति के वार्ता वायरल हो रही है, जिसमें उसके द्वारा 5G टावर के टेस्टिंग से व्यक्तियों के मरने की बात कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि प्रदेश के जनपद फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, सुल्तानपुर के ग्रामों में 5G टावर की टेस्टिंग से लोगों की मृत्यु की खबर प्रसारित की जा रही है और जो 5G टावर हैं उनको उखाड़ फेंकने की धमकी भी दी जा रही है। अतः सभी को यह सूचित किया जाता है कि इन सभी सूचनाओं के दृष्टिगत आप सभी को सक्रिय रखा जाए और छोटी सूचना पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर लगातार सतर्क दृष्टि बनाए रखी जा रही है और इस प्रकार की भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वालों को रोका जाएगा और उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 5G ट्रायल से संबंधित भ्रामक सूचनाओं को ना फैलाएं और ऐसी सूचनाओं से सतर्क रहें। धन्यवाद। जालौन की हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें जालौन लाइव टीवी।